became most popular reality show or controversial show. Bigg Boss Season 12 में नजर आने वाले TV के बहुत ही famous actor रोहित सुचांती. जी हाँ, आप सभी ने रोहित को Bigg Boss Season 12 में देखा, जहां पर उनकी दोस्ती सृष्टि रोड़े से देखने को मिली. जी हाँ, दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई. तो वहीं आप सभी जानते हैं कि सृष्टि रोड़े और मनीष नागदेव इंगेज थे. जी हाँ, दोनों के एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन अब खबरें ऐसी हैं कि दोनों अलग हो गए हैं. जी हाँ, मनीष नागदेव और सृष्टि रोड़े का ब्रेकअप हो गया है. मनीष नागदेव ने साफ साफ अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनका और सृष्टि रोड़े का ब्रेकअप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है. जी हाँ, दोनों अब साथ में नहीं है. तो वहीं खबरों की मानिए तो बहुत से लोगों ने सृष्टि रोड़े और मनीष नागदेव के ब्रेकअप की वजह रोहित सुचांती को बताई. दरअसल बिग बॉस सीजन 12 में रोहित और सृष्टि रोड़े की क्लोजनेस और उनकी दोस्ती काफी ज्यादा देखने को मिली. जी हाँ, रोहित सृष्टि रोड़े को लाइक भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित ने साफ साफ बताया कि वो सृष्टि को अपना एक अच्छा दोस्त मानते थे. आप सभी को बता दें, हाल ही में रोहित को स्पॉट किया गया कलर्स टीवी होस्ट IMW बस टीवी वीडियो समीरा बॉस में, जहां पर रोहित ने सृष्टि रोड़े और मनीष नागदेव के ब्रेकअप को लेकर कुछ बातें कही. चलिए आप सभी को सुना दें आखिर रोहित सुचांती ने क्या कुछ बोला दोनों के ब्रेकअप को लेकर. सृष्टि के मैंने सभी सारे इंटरव्यूज में कहा है कि सृष्टि बहुत सेंसिबल लड़की हैं, बहुत स्मार्ट लड़की हैं. उनको उनके डिसीजंस खुद लेने आते हैं, एंड उनका ब्रेकअप सब लोग मुझ पे थोप रहे हैं मेरी वजह से. किसी का इतने साल पुराना रिलेशनशिप मैं एक दो महीने में कैसे तोड़ सकता हूँ, मुझे समझा दो. और अब मैं जानता हूँ मैं अच्छा दिखता हूँ, लेकिन कोई भी लड़की सिर्फ लुक्स से तो नहीं अपने 4 साल पुराने रिलेशनशिप को तोड़ देगी. तो आई थिंक कि शी इज़ अ वेरी सेंसिबल गर्ल, और उन्होंने अपना डिसीजन कुछ सोच समझ के लिया होगा. एंड ऑब्वियसली डिफरेंसेस नहीं, इन डिफरेंसेस होंगे उनकी लाइफ में, एंड जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ. तो इससे मेरा कुछ लेना देना है नहीं. या नेक्स्ट लाइफ से माशी की रिपोर्ट.